हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय सरसमिकाओं के कि त्रिकोणमिति गोल करने के लिए हमें इनकी बहुत आवश्यकता होती है। इनके बिना हम त्रिकोणमिति अनुपातों को हल नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो हमारे पास छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो उनके बीच संबंध क्या होते हैं वो हम आज पता करेंगे। तो सबसे पहले सरसमिका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो अब हम इससे कितने प्रकार से तो निकाल सकते हैं। देखो, इससे हम एक तो पता कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम बात करें साइन थीटा की, तो देखो साइन थीटा को निकालने के लिए साइन थीटा बराबर रूट लग जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा बराबर वन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो है साइन और कोस के मध्य का संबंध। मुख्य रूप से ये पहले सरसमिका है, इससे हम इतने सूत्र निकाल सकते हैं। अब बात करें हम दूसरे सरसमिका की, तो हमारे दूसरे सरसमिका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। इससे कितने सूत्र निकाल सकते हैं। इससे पहले सूत्र होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा टेन का निकालेंगे तो देख लो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यदि सेक थीटा का निकाले सेक थीटा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो हम सिर्फ एक सूत्र से कितने प्रकार के सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम बात करें तीसरे सरसमिका की, तो वो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसे हम कोस स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यदि कोसेक थीटा निकाले कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट इज कोट थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये तो है तीन सरसमिका जिसमें हम याद की। अब हम बात करते हैं कि इनके और भी सूत्र होते हैं जो महत्वपूर्ण है, मतलब सिद्ध करने वाले सवालों में काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो हम बात करें कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा का सूत्र होता है वन बट्टा साइन थीटा। सेक थीटा का होता है वन अपॉन कोस थीटा, और हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गया भाई सभी सरसमिकाओं के साइन और कोस के पदों में मतलब कैसे रूपांतरण करें। अब देखा जाए तो टेन थीटा का एक सूत्र होता है, देख ले मतलब टेन थीटा का होता है कोट का उल्टा होता है तो वन अपॉन कोट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा का हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। तो ये जो आज मैंने बताया वो सूत्र हमारे त्रिकोणमितीय प्रश्नावली के अंदर काफ़ी यूजफुल होते हैं, और ये परीक्षा में इनसे काफ़ी सवाल भी आते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक।